हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये सैमसंग का M12 है जिसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। फ्रेंड, इसमें मैंने जो पासवर्ड लॉक लगा के रखा था वह मैं भूल गया हूँ, और दूसरा कोई पासवर्ड लॉक डालते हैं तो वह रॉन्ग आता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसका पासवर्ड लॉक कैसे अनलॉक करते हैं। तो मैं वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो इस साइड में इसका पावर बटन है, इसे हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रखे रहेंगे। अब यहाँ पर पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ गया, इस पर टैप करेंगे, इस फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे। पर देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ नहीं हुआ, मतलब ये है कि जब तक आप इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक नहीं डालेंगे तब तक हमारा फ़ोन ऑफ़ नहीं होगा। तो इस फ़ोन को हार्ड रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। अब एक डाटा केबल ले लेंगे, इस डाटा केबल को हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद इस फ़ोन से कनेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर को आपको सिर्फ ऑन रखना है, कंप्यूटर में और कुछ भी नहीं करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस साइड में देखिए, सबसे ऊपर में वॉल्यूम अप बटन है, उसके नीचे में वॉल्यूम डाउन बटन है, और सबसे नीचे में पावर बटन है। तो हम लोग क्या करना है, पावर बटन अब वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन को हम लोग एक साथ दबाए रखेंगे 9 सेकेंड तक। जैसे यहाँ डिस्प्ले का लाइट बंद होगा दोनों बटन को छोड़ देंगे, और उसके बाद जाके वॉल्यूम अप बटन को दबा के पावर बटन दबा देंगे। जैसे यहाँ सैमसंग लिख के आएगा पावर बटन छोड़ देंगे, और उसके बाद जैसे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्प्ले का लाइट जला लेंगे, ठीक है, जला लिए। अब हम लोग क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ दबाए रखेंगे 9 सेकेंड तक, दबाए रखेंगे। डिस्प्ले का लाइट चला गया, अब वॉल्यूम अप बटन दबा के पावर बटन दबा दिए, इसी तरह दबाए रखेंगे। सैमसंग लिख के आ गया, पावर बटन छोड़ दिए, और जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा तो वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे। आ गया, अब वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ दिए। अब यहाँ आपके डिस्प्ले पे इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग इस डाटा केबल को डिसकनेक्ट कर देंगे, इसका काम हो गया है। अब यहाँ आपके डिस्प्ले पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे ऊपर में लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो हम लोग क्या करना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर आना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन दबा के वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर आ जाएंगे। आ गए वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर, अब हम लोग इसी पर रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कैंसिल, सेकंड में लिखा हुआ है फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो हम लोग को फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन से फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आ जाएंगे। आ गए, अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते हैं। जैसे पावर बटन दबाएंगे हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट होने लगेगा। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ नीचे लिखा चुका है डाटा वाइप कम्प्लीट। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, इस बार हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6-7 मिनट लग सकते हैं। तो जब तक हमारा फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए तब तक हम लोग को वेट करना है। तो दोस्तों, आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पर जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। फ्रेंड, ये हार्ड रीसेट प्रोसेस है। हार्ड रीसेट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे फ़ोन का सारा डाटा इरेज हो जाता है, लेकिन हमारे फ़ोन में जो लॉक लगा हुआ रहता है वो हट जाता है। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन का डाटा को डिलीट नहीं करना है, मतलब अपने फ़ोन का डाटा को बचा के रखना है, तो आप इस फ़ोन को हार्ड रीसेट ना करें और अपना पुराना लॉक याद करने की कोशिश करें, क्योंकि पुराना लॉक से ही आपके फ़ोन का लॉक अनलॉक होगा और आपका फ़ोन का डाटा बच जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो थोड़ा सा भगा दिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन इसी तरह से खुल जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।